तैयारी से लेकर के सारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसी समय आपने देखा कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा देश के जाने माने उद्योगपति आधार पूनावाला का जो कोविशील्ड लाई गई और उस कोविशील्ड का एस्ट्रोजेनिका जो ब्रिटेन में सेम उसी फार्मूले से जो कोरोना की कंपनी को कल इंग्लैंड के लंदन हाई कोर्ट में स्वीकार करना पड़ा कि हाँ इसके द्वारा साइड इफेक्ट हो सकते हैं और हुए नहीं। 51 प्रकार भी जेल चला जाता है और तमाम नेता तो जाहिर है। उस समय भी सवाल हमने वैक्सीन पे नहीं उठाया था, हमारे नेता और देश के जननायक माननीय राहुल गांधी जी ने भी कोविशील्ड की जांच पे कहा था इसकी जांच हो जाए फिर लगाइए। लेकिन साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा से लेकर के और जिसका सच कल लंदन की हाई कोर्ट में आपने देखा कि एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया उसके द्वारा जो टीपीएस यानी खून का थक्का जम रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है और आपके तमाम विजुअल्स आपके कैमरे में है कि लोग इसी हिंदुस्तान में बनारस तक में बगल में ही आदरणीय अध्यक्ष जी के बगल में पिपलानी कटरा में डांस करते हुए लोग भर गए, कोई हंसते हुए कोई कुछ जा रहे हैं कि अगर इलेक्टोरल बांट के नाम का काला सच भारतीय जनता पार्टी का दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला सामने नहीं आता तो हम न जानते कि 52 करोड़ रुपया का चंदा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी ने आधार पूनावाला को ये ठेका दिया। ये उसी के तहत है जो कांग्रेस पार्टी विजय राय जी और हमारे वरिष्ठ नेता बार बार कह रहे हैं कि चंदा दो धंधा लो। एक वसूली गैंग चला रखा था उसकी ये देन थी कि 52 करोड़ रुपए में वो धंधा दिया गया और आज 140 करोड़ लोगों को ऊपर जान का खतरा आसन है। इसी पूरे विषय को लेकर के बहुत गंभीर विषय को लेकर के हम चाहेंगे कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय नेता कांग्रेस पार्टी की और विजय गठबंधन के